साइकिल देखे तो सोचे जी साइकिल में इसको अगर सेट कर दिया जाए तो एक आदमी से जब साइकिल को हम 2 क्विंटल लेकर घूम जा सकते आ सकते हैं तो एक जोत का न सकते हैं। कुछ लोहा खरीदे, हल था, साइकिल खरीदे, साइकिल का पिछला भाग हटा दिए, अगला भाग लगा के तो हम उपयोग किया। तो कैसे करेंगे, या तो हमसे लेगा हम बना के उसको देंगे, या हमसे तकनीक लेगा तो हम तकनीक उसको देंगे। कहते हैं आवश्यकता आविष्कार की जननी है, इस बात को एक बार फिर सही साबित किया है सहरसा के सौर बाजार प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत बैजनाथपुर गांव के दिनेश कुमार यादव और उनके भतीजे शशि यादव ने। दरअसल दिनेश कुमार यादव एक छोटे किसान हैं। उन्हें अपने 7 कट्ठा खेत को जोतने के लिए या तो ट्रैक्टर बुलाना पड़ता था या दूसरा उपाय था बैल और हल। उनके छोटे से खेत में इन दोनों ही तरीकों से जुताई की लागत बहुत ज्यादा बैठ रही थी। इसी से परेशान होकर उन्होंने अपने भतीजे शशि यादव की मदद से एक नए तरीके के हल का आविष्कार कर दिया। इसमें ना तो हजारों रुपए के बैल की जरूरत है, न ज्यादा मजदूरों की और न ही लाखों रुपए का ट्रैक्टर चाहिए। बहुत ही कम लागत के साथ इस हल को साइकिल के अगले हिस्से की मदद से बनाया गया है। हल को चलाने के लिए केवल एक आदमी की जरूरत पड़ती है, जिससे वह दिन भर में 4 से 5 कट्ठे जमीन को जोत सकता है। कैसे इसको बनाया है, क्या फायदा है इससे? इससे फायदा यही है सर, छोटा मोटा काम करने के लिए 2-4 कट्ठा जोतने के लिए आसानी से जोता जाता है। कैसे कैसे ये पूर्व का हम लोगों के पास बैल रहता था, हम लोगों के पिताजी के पास यही हल रहता था, तो हल वो लंबा सा था, बैल में बांध करके चलाया जाता। इस समय तो बैल रखना बहुत महंगा है, हम लोग गरीब आदमी है तो बैल रखने के लिए तो अभी 50,000-60,000 रुपया चाहिए, उसको फिर खाना चाहिए, तो हम सोचे जो यही हल रखा हुआ है तो साइकिल हम देखे तो साइकिल देखे तो सोचे जी साइकिल में इसको अगर सेट कर दिया जाए तो एक आदमी से जब साइकिल को हम 2 क्विंटल लेकर घूम जा सकते आ सकते हैं तो एक जोत का न सकते हैं। तो ये इसी में हम कुछ लोहा खरीदे, हल था, साइकिल खरीदे, साइकिल का पिछला भाग हटा दिए, अगला भाग लगा के तो हम उपयोग किया। कितना खर्चा पड़ा? 3,000 रुपया कुल खर्चा पड़ा। अगर जिनके पास साइकिल है तो उन्हें वो भी खर्चा नहीं, तो आपको इससे फायदा क्या हो रहा है? इससे फायदा हो रहा यही है, आप देख लीजिए 2 कट्ठा खेत हमको जोतना था, जोत के घास बुन दिए, मवेशी के लिए सब्जी उब्जी का खेती करना है, छोटा खेत है, अब हल वाले को ट्रैक्टर वाले को बुलाएंगे तो दूर खेत ले जाना है उसको, तो 2 लीटर उसका तेल जल जाता है, जाने के लिए तैयार नहीं है, जब हम जाएंगे तो 200 रुपया देगा उसको, उतना तो मेरा तेले जल जाएगा। ये चीज़ है, इसको हम जैसे उल्टा लेते हैं, ये कहाँ से पकड़ते हैं सर, ये है ना, इसको ऐसे उल्टा देते हैं, अब बस इसको घर का करके अपना अकेले चल जाइए खेत में, जोत लीजिए और फिर लेके चल आइए। जिन्हीं का सहारा भी लेना? कोई सहारा नहीं, किसी का जरूरी नहीं। एक दिन में कितना कर लेते हैं? एक दिन में 4 कट्ठा 5 कट्ठा जो छोटा किसान है वो ये अपना सकता है? जी जी, आराम से। तो आखिर उद्देश्य क्या है आपका इसको तैयार करने का? उद्देश्य यही है, जो छोटा मोटा आदमी अपना कहाँ जाएगा, जिनके पास पैसा का दिक्कत है, कम खेती है, सब्जी खेती करना है, अभी धान का बीज गिराना है, इसके लिए 1-2 कट्ठा लोग बीज गिराता है, अब कितना देर कुदार चलाएगा, इससे तो 1 घंटा में अपना जोत उत लिया। मेरा नाम सोचे कि इस तरह का हल बनाना है, घर में रखा हुआ था ना हल, जो जैसे बैल से जोत रहा था हम लोगों का पिताजी, तो हम सोचे इसको दूसरा जुगाड़ बनाया जाए, तो मेरा एक भतीजा था शशि, उसको हम बोले शशि इसको अगला साइकिल का अगला हैंडल, अगला चक्का हाफ फ्रेम लगा दिया जाए, पीछे में सेट कर देंगे तो ये नहीं चलेगा, तो बोला हाँ अंकल जी आराम से चलेगा, वो मिस्त्री है, उसको बोले जब हम सब कुछ लाते हैं एक रोज़ बैठो इसको बना के देखो, तो हम लोग बनाए तो अच्छा लगा जोतने में, सक्सेस है। इस हल को बनाने वाले शशि यादव पेशे से मैकेनिक हैं। वह बताते हैं कि साइकिल का अगला हिस्सा और कुछ लोहा मिलाकर इस हल को बनाया जाता है। अगर कोई और किसान इस हल को इस्तेमाल करना चाहता है तो वह उनसे बनवा सकता है या फिर उनसे तकनीक लेकर खुद भी इसे बना सकता है। कैसे इसको बनाया आप लोग, कैसे इसको तैयार किया? इसको तैयार करने में एक साइकिल का जो है आधा पार्ट लगता है, उसके बाद हल के इस्तेमाल लगता है, उसके बाद लोहा लगता है, ये तीनों चीज़ मिला करके हल तैयार होती है। क्या फ़ायदा है इससे? इससे फायदा यही है कि अपना छोटा काम करने के लिए 4 कट्ठा 5 कट्ठा जिसके पास में ज़मीन है, ज़्यादा है नहीं, तो वो उसके लिए काम करेगा ही, खास करके ये जो है एक्सरसाइज का जो है ना व्यायाम का, इसमें नहीं कोई जरूरत पड़ेगा, इस चीज़ चलाएगा तो दोनों काम हो जाएगा, दोनों काम। तो किसान अगर अपनाना चाहता है इसको बनाना चाहेंगे तो कैसे करेंगे? या तो हमसे लेगा हम बना के उसको देंगे, या हमसे तकनीक लेगा तो हम तकनीक उसको देंगे अपना बना ले। आप क्या करते हैं? हम मैकेनिक का काम करते हैं, डीजल इंजन का। डीजल इंजन जी। आप
तैयार किए? जी हम तैयार किए। वो बताए जैसे से बताए? जी ये हमारा अंकल जी हुए। अच्छा। जी ऐसे बैठे हुए थे सवेरे में तो बोला कोई ऐसा आविष्कार करो जो बैठल रहते हैं सवेरे में आज फालतू का 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर घूमते हैं, इससे अच्छा जो दोनों काम हो। हम बोले अंकल जी ऐसे ऐसे कीजिए, सामान लाइए हम बना देंगे। अंकल जी सामान ला कर दिए, हम इसको बना दिए। दिनेश कुमार यादव के पड़ोसी सुबोध कुमार भी छोटे किसान हैं। वे भी इसी हल से अपने खेत की जुताई करते हैं। सुबोध कुमार बताते हैं कि इससे पहले वे बैल वाले हल से अपने खेत की जुताई करते थे जिसमें काफी ज्यादा लागत आती थी। एक छोटा किसान होने के नाते वे इतनी लागत लगाने में असमर्थ थे। अब वे इस हल को इस्तेमाल कर काफी खुश हैं। आप लोग भी इससे जुताई करते हैं? जी पड़ोसिया से मांग के नाने इसको जोतने के लिए कि छोटा मोटा किसान है सर, इसलिए कि इससे जोते खेत जुताई कर लेते हैं, शरीर में भी बढ़िया लगता है। आप लोग कैसे करते हैं? इससे पहले हल से जोतते थे, हल बड़ से, तो वो तो साधन नहीं है सर। बैल का खियाने का मान लीजिए 50,000 में बैल होगा एक जोड़ा, तब तो उसके पास और जतना होगा। ये साइकिल पे हम इंतजाम किए, दूसरा आदमी को देखे मांग के नाने अपना जोतने लगे। कैसा लगता है? जोतने में एक नंबर लगते हैं, शरीर भी तंदुरुस्त रहते हैं सर। फायदा होता है? फायदा बहुत होता है। कैसा जुताता है खेत? जोताने का इसका अंत नहीं है, भर दिन में जोतेंगे तो 5 कट्ठा से ऊपर जोतेंगे, 1-2 घंटा में 2 कट्ठा 3 कट्ठा जोत लेंगे। समाज के सही जोता देखते नहीं, बुआई किए हैं कल।